आज पूरी पार्टी एक ड्रेस कोड में आई है, क्या कारण है, किस वजह से पूरी आज शेरवानी में पूरी पार्टी आज विधानसभा आई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे देश की ट्रेडिशनल ड्रेस है और बहुत सारे लोग आज भी हिंदू मुसलमान भाई, शादी होती है, ब्याह होती है, त्यौहार होता है, फंक्शन होता है या कहीं पर जाते हैं, आज भी शेरवानी पहनते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री, वो पहनते थे, नीलम संजीवा रेड्डी जी पहनते थे, ज्ञानी जेल सिंह जी पहनते थे, आदम खान साहब पहनते थे, बहुत सारे हमारे राजनेता लोग पहनते हैं। तो अगर आज ये पहनी है तो एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, सिर्फ ये है, इसके अलावा कोई वो नहीं है। सर, ऐसा क्यों हुआ कि एक ही दिन, आज ही के दिन, जिस दिन बजट पेश होना था उसी दिन सभी लोग, अखिलेश यादव जी भी एक ट्रेडिशन में इसी ड्रेस में आए, ऐसा क्यों? अच्छा, ऐसा थोड़ा ही है कि सदन में इस यूनिफॉर्म में आना बैन है, बहुत सारे लोग हैं, आज आपने ये पहन रखी है, कल हो सकता है आप भी शेरवानी पहन के आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो क्या सर, अलग से पार्टी से कुछ कहा गया था? अलग से पार्टी नहीं, ऐसा ऐसा हाँ पार्टी से अलग कुछ कहा गया था सर? बिरू बिरू आजा। तो ये थे कमाल अख्तर, सपा के विधायक, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आज जिस तरीके से पूरी समाजवादी पार्टी शेरवानी में आई है, इसका कोई खास मकसद नहीं है, लेकिन साफ तौर पर है कि जिस तरीके से आज बजट पेश होना था और बजट पेश होने के दिन ही पूरी पार्टी ने जिस तरीके से ड्रेस कोड चेंज किया, कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा संदेश है जो आगे खुलकर जरूर सामने आएगा। हालांकि अभी लोग इसको आजम खान से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आजम खान के ऊपर जिस तरीके से कार्यवाही हो रही हैं, उनके ड्रेस कोड को एक्सेप्ट करके कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। कैमरामैन रोहित के साथ मैं विक्रम राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।